टिकट मिलने के बाद डॉक्टर अजय तिर्की पहुंचे रामानुजगंज। बम पटाखे व नगाड़े बजाकर किया गया भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं के साथ पैदल नगर भ्रमण कर बुजुर्गों से प्राप्त किया आशीर्वाद। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं जी 7 न्यूज। डॉक्टर अजय तिर्की को रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 7 में कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक पद का उम्मीदवार चुना गया है। चुने जाने के बाद रामानुजगंज नगर में प्रथम आगमन हुआ। यहां पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। डॉक्टर तिर्की ने अपने समर्थकों के साथ नगर भ्रमण कर बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। श्री तिर्की ने क्षेत्रवासियों से एक मौका मानते हुए जीत दर्ज कराने की उम्मीद जताई है, ताकि वे इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास कर सके। नगर भ्रमण के पूर्व डॉक्टर अजय तिर्की ने मां महामाया मंदिर जाकर माता का आशीर्वाद लिया। डॉक्टर तिर्की ने हमारे संवाददाता से बताया कि वह 20 वर्षों से लगातार टिकट लेने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें उन्हें बार बार असफलता ही हाथ लगती थी। आखिर इतने लंबे समय से इंतजार करने के बाद मुकाम आज जाकर हासिल हुआ है। यह पूरा क्षेत्र डॉक्टर अजय तिर्की के निष्पक्ष सेवा भाव से वाकिफ रहा है, जहां विपक्ष की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी 7 न्यूज। जो भीड़ है और सभी कोई उत्साहित है और नए जोश के साथ में, क्योंकि सभी लोग पहले से ही सब जुड़े हुए हैं और लोगों की इच्छा क्या थी वो जग जाहिर होती है। इसमें मैं सभी हमारे सम्मानित कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसा कि कल भी बात हुआ, हम शीर्ष नेतृत्व और माननीय महाराज साहब, CM साहब, अध्यक्ष महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे विश्वास करके यहाँ पे भेजा है, और उस विश्वास को हमारे यही मजबूत कार्यकर्ता जो हैं पूरा करेंगे और हम लोग साथ मिलके ये सीट जीत के हमारे शीर्ष नेतृत्व को देंगे। नाराजगी भी देखी जा रही है सिटिंग MLA प्रभारी जी का, कैसे इसको निपटान करेंगे? अभी तक तो आपके माध्यम से ही लग रहा है कि नाराजगी आई है, लेकिन मेरे पास ऐसे सीधे तौर पर कहीं से कोई बात नहीं आई है। लेकिन एक कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है और परिवार में छोटी मोटी बातें होती हैं, और वो भी टिकट फाइनल होने के पहले तक, और टिकट होने के बाद में सब एक परिवार की तरह चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कार्यकर्ताओं का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? आप खुद देख रहे हैं, सब लोग साथ में हैं और पूरी भीड़ है। सारे सीनियर्स भी हैं, जो सीनियर्स एकदम से घर पे बैठ गए थे वो सीनियर्स भी आज निकल के हमारे साथ में आए हैं। ये हम लोग की उपलब्धि है।